एरवावी चलो चलो कहानी सुनने चले सब तैयार एक दो तीन। जब आलसी रघु मामा ने ये कहा कि वो अपनी आराम कुर्सी में बैठे बैठे जोखिम भरी लंबी यात्रा कर सकते हैं, तो अमीश और सोनी अचंभित हो गए। आखिर मामा बिना कुर्सी से हिले ऐसा कैसे कर पाएंगे? क्या वो दोनों भी बिना हिले ऐसी मजेदार यात्रा पर जा सकते हैं? सुनते हैं कहानी आलसी मामा। ओरिजिनल इंग्लिश स्टोरी लेजी मामा बाय विद्या प्रधान। हिंदी में अनुवाद किया है विभा लोहानी। चित्र बनाए हैं रोहित केलकर। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। टक टक ठक ठक। अम्मा ने दरवाजा खोला। रघु मामा! अमीश और सोनी दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखते ही खुशी से उछल पड़े। रघु मामा उनकी माँ के इकलौते भाई है। वो बच्चों को सबसे मजेदार कहानियां सुनाते और उनके लिए एक से एक अनोखे उपहार लाते हैं। बस एक ही कमी थी रघु मामा में। रघु मामा बहुत आलसी है। वो एक ही कुर्सी पर घंटों विराजमान होकर किताब पढ़ते, टीवी देखते या फिर सोए रहते हैं। वो घर का कोई काम नहीं करते हैं और तो और बाजार से साग सामान लाने भी नहीं जाते। अम्मा उनके इस आलसीपन से तंग आ चुकी है। तो रघु, अम्मा बोली, इस बार भी छुट्टियां अपनी खास कुर्सी पर बिताने का इरादा है? अरे नहीं दीदी, रघु मामा ने कहा, इस बार तो मैं समुद्र के नीचे छिपी गुफाओं का मुआयना करूंगा, ऊंचे पर्वत की चढ़ाई करूंगा और समय रहा तो जंगल में बाघ के पीछे भी जाऊंगा। क्या कहा? अमीश और सोनी एक स्वर में बोले। मामा, हम भी आपके साथ चलेंगे। अम्मा ने मुंह बनाया। अच्छा मजाक है। रघु मामा एक रहस्यमयी मुस्कान देकर चुप रहे। अगले दिन रघु मामा अपने कमरे में बैठे थे तो अमीश और सोनी को उनके किसी से बात करने की आवाज आई। वाह, वो बोले, ये तो आश्चर्यजनक है। अरे नहीं नहीं उनकी आवाज सुनकर दोनों बच्चे दौड़कर उनके कमरे में आ गए। क्या हुआ रघु मामा? रघु मामा अपनी खास कुर्सी में मोटा सा काला चश्मा लगाए बैठे थे। आसपास कोई नहीं था। अमीश और सोनी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा था। वो अचरज से एक दूसरे को देख रहे थे। मामा, सब ठीक तो है? अमीश ने रघु मामा के चश्मे में झांकते हुए पूछा। चश्मे से मामा का लगभग आधा चेहरा ढक गया था। मामा जोर से हंसे और अपना चश्मा उतारकर सोनी की तरफ बढ़ा दिया। लो बिटिया, इसे पहनकर देखो, उन्होंने सोनी से कहा। ये क्या है? सोनी ने पूछा। चश्मा इतना भारी था कि उसे दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा। रघु मामा ने ध्यान से चश्मा सोनी को पहना दिया। चश्मा काला था तो सोनी को पहले कुछ दिखाई नहीं। फिर रघु मामा ने एक बटन दबाया। अचानक जैसे सोनी समुद्र के नीचे पहुंच गई। उसके चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। उसने बाई तरफ देखा तो एक बड़ा सा समुद्री कछुआ था। वो इतना पास था कि सोनी को लगा वो उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ लेगी। जैसे ही उसने दूसरी तरफ मुंह किया तो डर गई। आई अम्मा, वो चिल्लाई। उसने एक बड़ी शार्क मछली को अपनी तरफ आते हुए देखा। मुझे भी देखना है, मुझे दो, मुझे दो। अमीश ने आश्चर्यचकित सोनी से चश्मा लेने की कोशिश करते हुए कहा। अगली बारी तुम्हारी अमीश, रघु मामा हंसते हुए कह रहे थे। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास अनुभव है। अमीश ने झट से चश्मा पहना और मामा ने दूसरा बटन दबाया। अरे मामा, ये तो चीतल का झुंड है। ये क्या, इतने सारे लंगूर? अमीश ने अपने आप को एक घने जंगल में पाया।
उसे अलग अलग चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। ऊपर आसमान में कलहंसों का झुंड वी आकार में उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये तो बिल्कुल असली लग रहा था, सोनी ने कहा। चश्मे में देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैं सच में पानी के नीचे तैर रही हूं। सही कहा, रघु मामा बोले, शायद इसीलिए इसे आभासी वास्तविकता या अंग्रेजी में वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। सोनी असमंजस में पड़ गई। उसने पूछा, लेकिन वर्चुअल मतलब कृत्रिम, वो जो वास्तविक नहीं है, तो क्या अब हमारे पास एक अवास्तविक वास्तविकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है सोनी, रघु मामा ने कहा। हम इसे आभासी वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी या संक्षेप में वीआर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें वास्तविक होने का आभास देती है। इससे किया गया अनुभव लगभग वास्तविक होता है। बचाओ, अमीश चीखा, ये बाघ मुझे खा जाएगा। रघु मामा हंस पड़े। घबराओ नहीं अमीश, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। ये तो ऐसा है जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हो। ये तो पिक्चर देखने से भी बढ़िया है, सोनी ने उत्साहित होकर कहा। बिल्कुल, रघु मामा बोले। जब हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं तो स्क्रीन या पर्दा हमारे सामने होता है, पर वीआर वाला खास चश्मा पहनने पर ऐसा लगता है कि फिल्म हमारे चारों ओर है। तो क्या ख्याल है, गर्मी की छुट्टियों में मेरी तरह वर्चुअल रियलिटी का मजा लेना है? रघु मामा ने पूछा। अमीश ने चश्मा उतारकर थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं असली आभास ज्यादा पसंद करूंगा मामा जी। पर क्यों? मामा ने सवाल किया। मैंने अभी अभी जंगल में रसीला आम देखा और अब मुझे वो खाने का मन है जो वीआर में संभव नहीं है, अमीश ने जवाब दिया। मुझे भी आम खाना है, सोनी बोली और दोनों बच्चों ने रसोई की तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी आया, ये कहते हुए आखिर रघु मामा भी अपनी पसंदीदा कुर्सी से उठकर बच्चों के पीछे चल दिए। कहानी तो यहां खत्म हो गई बच्चों। अभी वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर के बारे में कुछ खास बातें। वर्चुअल रियलिटी शब्दों का इस्तेमाल सबसे पहले 1983 में यानी कि 1983 में दमे ब्रॉडरिक द्वारा रचित विज्ञान कल्प कथा जुड़ास मंडल में किया गया था। विज्ञान कल्प कथा मतलब साइंस फिक्शन। वर्चुअल रियलिटी बहुत ही प्रभावशाली कंप्यूटर से निर्मित है जिससे ये चश्मे जितने छोटे स्क्रीन या पर्दे पर थ्रीविम यानी कि 3D आभास प्रस्तुत करते हैं। वीआर चश्मे में खास तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जो आंखों की गति वो घुमाव भाप लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अमीश के जैसे वीआर पर जंगल की सैर कर रहे हैं और अचानक ऊपर देखते हैं तो आपको पेड़ों की जगह आसमान दिखने लगेगा। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग केवल खेलने और घूमने के लिए नहीं होता, यह हमें बहुत तरह से काम आता है। इसकी मदद से लोगों को जोखिम भरी कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कि रिमोट रोबोट से सर्जरी करवाना, अग्निशामक दल का लोगों को आग से ग्रस्त जगहों से लोगों को बचाने का अभ्यास करवाना, यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने में भी वीआर की मदद ली जाती है। सोचो कैसा लगता होगा बिना अंतरिक्ष यान में कदम रखे ही मार्स पर चलने का अनुभव कर लेना। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वीआर चश्मा बच्चों के लिए सुरक्षित है? अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका असर मोबाइल जैसे छोटे स्क्रीन का लगातार उपयोग करने जैसा ही होगा, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कितनी देर इस चश्मे का उपयोग करें ताकि हमारी आंखें खराब ना हो। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियां? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।